नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम रफी शबनम है, सप्ताह ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष। किस मांग को लेके आप आज यहाँ पे लगे? ये जो महंगाई आप लोग सब देख रहे हैं ना, ये मेरे घर का मुद्दा है अकेले, और ना ही मेरे सिर्फ शहर का मुद्दा है, बल्कि ये पूरे देश का मुद्दा है। और हम आप साफ देख रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल डीजल और यहाँ तक कि जो सरसों का तेल है, सबसे ज़्यादा परेशानी हम गृहणियों को उसी से हो रही है। अगर आप कहते हैं कि हमने गेहूं और चावल गरीबों को दे दिया है, तो मुझे बताइए उन गरीबों को जो आपने गेहूं चावल दिया है उसको अकेले लेकर वो क्या करेंगे? तो हमारी ये मांग है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है, सिलेंडर को आप देख लीजिए, 840 रुपये सिलेंडर है। कभी 400 रुपये सिलेंडर हुआ करता था और सब्सिडी भी हुआ करती थी, और अब ये आलम है कि 840 का सिलेंडर है और सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। तो घर के जो चूल्हे हैं, जो किचन है हमारा, वो कहाँ से चलेगा? बच्चे हमारे कहाँ से रोटी खाएंगे? रिक्शे वाला, ऑटो रिक्शावाला और जो ठेले वाले, सब्जी वाले, फल वाले, ये सब परेशान हैं। आपने इससे पहले कभी ठेला लगाते हुए लोगों को इतना नहीं देखा होगा। तो जो नॉर्मल घरों के लोग थे वो भी ठेला लगाने को मजबूर हो गए हैं। तो मेरी इस प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी जिलाधिकारी के माध्यम से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इसके कुछ उपाय करें और एक अलग से व्यवस्था बनाएं कि सस्ती चीज़ें हम लोगों को उपलब्ध हो सकें। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है जो आज हमने धरना प्रदर्शन किया है, फिर हम सारे जिला स्तर पर इस प्रदर्शन को करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गरीब आदमी सुसाइड कर रहा है और सुसाइड करने पे मजबूर हो गया है। कहाँ से हालात ये है कि कैसे आदमी जिए, कैसे क्या करे? सरकार की तरफ से कोई भी सुनने नहीं है। इसलिए सबका हक ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले श्रीमती राबिया शबनम जी के अध्यक्षता में महंगाई हटाओ